नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट जिसका नाम है कोलियस के बारे में। कोलियस वैसे तो सभी के यहाँ लगा होता है, लेकिन समस्या ये रहती है इसको कि ये घना नहीं हो पाता है। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे कि इस प्लांट को घना कैसे किया जाए और इसके फर्टिलाइज़र के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। कोलियस एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। यह बहुत से रंगों में और वैरायटी में उपलब्ध है। यह लैमेसिया फैमिली से बिलोंग करता है। इसका साइंटिफिक नेम कोलियस ही है। कोलियस को लगाने के लिए इसको कटिंग से लगा सकते हैं। जो ये पौधे मेरे आप गार्डन में देख रहे हैं, ये मेरे कुछ प्लांट कटिंग से लगाए हुए हैं और कुछ प्लांट मैं नर्सरी से लेकर आया था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कटिंग से ही ये प्लांट ग्रो किए हुए हैं। मैंने एक 10 इंच के पॉट में 3 प्लांट ग्रो किए हुए हैं जो आप वीडियो में देख रहे हैं, और एक दूसरे 10 इंच के पॉट में मैंने 2 प्लांट लगाए हुए हैं जो आप देख रहे हैं, जो सबसे बड़े प्लांट हैं, और उन्हीं की कटिंग्स लेकर मैंने पिछले वीडियो में आपको कोलियस की कटिंग से इनको ग्रो करना बताया था। मैं उनका भी अपडेट आपको दूँगा। तो इनको कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। अगर आप इस प्लांट को कटिंग से लगाना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह मेरे गार्डन में कई तरह के कोलियस हैं और मैंने पिछले वीडियो में भी इनको कटिंग से ग्रो करना बताया था। वो भी प्लांट अब बड़े हो गए हैं, उनको भी मैं आपको दिखाऊँगा। कोलियस को अच्छे से ग्रो होने के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अच्छा होता है, इसलिए यह उत्तर भारत में सर्दियों में अधिक लगाया जाता है। गर्मियों में अपने यहाँ उत्तर भारत में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, तब इसको बचाना बहुत मुश्किल होता है। समर आने पर मैं इस पर भी बात करूँगा कि गर्मियों में इसको कैसे बचाएँ। तो दोस्तों, अभी सर्दियां आने वाली हैं तो हम लोग बात करेंगे सर्दियों के बारे में। तो सर्दियों में यह बहुत अच्छे से ग्रो होता है, और अगर आप इसको झुंड में कई पौधों के साथ में रखेंगे तो यह बहुत अच्छे से ग्रो होता है। मेरे यह पौधे सब एक साथ रखे रहते हैं, इसलिए इनमें इतनी अच्छी ग्रोथ है और कलर भी ब्राइट है। मैंने जो भी कटिंग लगाई थी वो भी ग्रो बैग में लगी हैं, फिर भी यह काफ़ी घनी और बड़ी हैं। यह एक साथ रखने के कारण ही होता है। जब पौधों को आप एक साथ झुंड में रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं, और मेरे ये पौधे जहाँ रखे हैं वहाँ पर 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट धूप आती है, तभी इनका कलर ब्राइट होता है। नहीं तो धूप की कमी से इनकी टहनियाँ लचीली हो जाती हैं और फंगस के कारण प्लांट मर भी जाता है। इन प्लांट को पानी तभी देना है जब गमले की मिट्टी सूख जाए। यह प्लांट आपको खुद ही बता देगा कि इनको पानी कब देना है। जब इनकी पत्तियाँ हल्की हल्की झुकी हुई महसूस होने लगें तब आप इन पर पानी दे दीजिए। दिन में एक बार इन पर सावरिंग भी ज़रूर कर दें, वो आप चाहे सुबह करें या शाम 6 बजे। सावरिंग आपको तभी करनी है कि सूर्य उदय होने से पहले और शाम को अस्त होने के बाद। सावरिंग करने से इन पर ह्यूमिडिटी बनी रहती है जो इनकी अच्छी ग्रोथ में सहायक है। ये तो हो गई पानी कितना देना है इसके बारे में बात। तो अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। आप 20 से 25 दिन में इनमें एनपीके,
2020-2020 जिनमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस सभी का रेशियो 2020-2020 होता है को 2 ग्राम मात्रा लेकर 1 लीटर पानी में घोलकर पत्तियों पर स्प्रे कर दें, आपके प्लांट अच्छे से ग्रोथ करते रहेंगे। पेस्ट का इन पर कभी कोई अटैक होता नहीं है, यह पौधा हमेशा धूप की कमी और फंगस से ही ख़राब होता है, तो फंगस को रोकने के लिए इनमें पानी ज़्यादा ना दें। पानी इनमें तभी दें जब इनको पानी की ज़रूरत हो। गर्मियों में इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन सर्दियों में इसको बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। गर्मियों में इसको शेड में रखने की आवश्यकता होती है, लेकिन सर्दियों में इसे पूरे दिन की धूप में आप रख सकते हैं। दोस्तों, कोलियस प्लांट को घना बनाने के लिए इनकी समय समय पर पिंचिंग करना बहुत ही आवश्यक है। पिंचिंग करने के लिए आप इन पर ऊपर की टिप तोड़ते रहें, जिससे यह प्लांट अपनी नई नई ब्रांचें नीचे से निकालता रहेगा और इन पर ग्रोथ बनी रहेगी। इन पर जब ये पौधे ज़्यादा पुराने हो जाते हैं तो इन पर बीज भी बनने लगते हैं, उनको भी आप समय समय पर हटाते रहें। बीज अगर जो आप बनने देंगे तो प्लांट अपनी सारी एनर्जी बीज बनाने में ही लगा देगा और उनमें कोई न्यू ग्रोथ नहीं होगी। जैसा मैं वीडियो में करके आपको दिखा रहा हूँ, पिंचिंग आप वैसे ही करें। दोस्तों, जो है आप मेरे पौधे देख रहे हैं, ये वही कटिंग से लगाए हुए पौधे हैं जिनको मैंने पिछले वीडियो में आपको लगा के दिखाया था। ये देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं और ये कितने छोटे से ग्रो बैग में लगे हुए हैं। आप भी अपने पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए मेरी बताई हुई बातों को फॉलो करें तो आपके भी प्लांट ऐसे ही हेल्दी ग्रोथ करते रहेंगे। इन पौधों को झुंड में रखने से ये बहुत ही जल्दी लंबे हो जाते हैं और एक साथ रखने पर इनमें ह्यूमिडिटी का लेवल अच्छा बना रहता है। दोस्तों, बस इन्हीं सब बातों को फॉलो करके आप अपने कोलियस को हेल्दी रख सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को शेयर और लाइक करें। दोस्तों, जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में वो कहता हूँ कि अगर आपकी गार्डनिंग संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप हमको सोशल मीडिया पर संपर्क कर सकते हैं, जिनके लिंक मैंने स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। नमस्कार।